नमस्कार दोस्तों, बॉबी UK04 में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं अपने घर के पास से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं, तो दोस्तों बने रहिएगा मेरा ब्लॉग में एंड तक। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फ्लावर्स, और आप लोग देख सकते हैं फूल खिला हुआ है, और पेड़ों में आजकल इस तरह का फूल आते हुए आपको दिखाई देगा। बहुत ही गजब का दृश्य यहाँ पर देखिएगा, फूल देख सकते हैं पेड़ों में इस तरीके से। तो रहा दोस्तों सामने नगर पालिका के सामने ये पार्किंग है, यहाँ पर तलीताल का एरिया विदाउट धूम में कुछ इस तरह का लगता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मॉर्निंग में कोयल की आवाज़ सुन सकते हैं, झील बिल्कुल शांत क्योंकि अभी इस वक्त धूप नहीं है, और इस तरह का दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मॉर्निंग में देख सकते हैं इस तरह का व्यू, बिल्कुल शांत, बिल्कुल धूप नहीं है इस वक्त। मंदिर की घंटी सुनाई देगी आपको, इस तरह का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं पसार देवी मंदिर के पास आप लोग यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं निकलता हूँ आगे की तरफ, यहाँ पर से भी बहुत ही गजब का व्यू आपको दिखाई देता है क्योंकि बहुत जल्दी है और धूप नहीं है, तो इस वक्त इस तरह का व्यू। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं शनि मंदिर के पास आप लोग यहाँ से दृश्य, क्योंकि अभी धूप बिल्कुल नहीं तो मॉर्निंग में कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर शनि मंदिर के पास हूँ, यहाँ पर से दृश्य आप लोग देख सकते हैं। ये है ग्लास हाउस। तो दोस्तों इससे नीचे आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन का पुल बुले आपको झील में दिखेगा। यहाँ पर मैं आपको जूम करता हूँ इस तरीके से, तो दिखाई देता है मॉर्निंग का व्यू कुछ इस तरह का। मॉर्निंग आप लोग देख सकते हैं इस तरह से सुबह। वेदर कहें तो आज बिल्कुल क्लियर, आज भी क्लियर वेदर है। मॉर्निंग का व्यू कुछ इस तरह का, मॉर्निंग का 7:30 बज रहा है इस वक्त, आप लोग देख सकते हैं मॉर्निंग में कुछ ऐसा दिखाई देगा। चिड़ियों की आवाज़ यहाँ पर भी अच्छा सुनाई देता है दोस्तों, आप सामने देखें तो व्यू कुछ इस तरह का, तो मॉर्निंग में ऐसा आपको दिखाई देगा। शुरू हो चुका है सामने का व्यू, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही गजब का व्यू आपको दिखाई देगा इस वक्त। तो दोस्तों मैं यहाँ पर टैक्सी स्टैंड के पास, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चौराहा है, घोड़ा स्टैंड, यहाँ पर देख सकते हैं टैक्सी बाइक वगैरह, ये है चौराहा है, यहाँ पर सब कुछ मिल सकता है। तो तलीताल जाने के लिए यहाँ पर बाइक मिलती है, थोड़ा आगे जाएंगे रिक्शा स्टैंड, तो दोस्तों यहाँ से आप लोग जा सकते हैं तलीताल की तरफ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर नगर पालिका के पास, आप लोग देख सकते हैं नगर पालिका की पार्किंग, यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आपको दिखाई देगा। तो जाता हूँ आगे पंत पार्क की तरफ, आप लोग दोस्तों पंत पार्क की तरफ देखिएगा, वहाँ भी काफ़ी अच्छा आपको व्यू मिलेगा। मॉर्निंग में यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए नज़र आते हैं चाय पीते हुए, क्योंकि पार्क है, पार्क में तो काफ़ी लोग घूमते बैठते एक्सरसाइज करते काफ़ी लोग यहाँ पर मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का व्यू है। तो दोस्तों ये रहा पंत पार्क, यहाँ पर पार्क है और बैठने का काफ़ी अच्छा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पेड़ है, पेड़ों में छांव के साथ काफ़ी लोग बैठते हुए आपको नज़र आते हैं यहाँ पर, इस तरह का दिखाई देता है मॉर्निंग में। तो मैं निकलता हूँ यहाँ पर चौराहे के पास, आप लोग यहाँ से होते हुए दोस्तों तलीताल जा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये रहा चौक, यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा सामने का व्यू आप लोग देख सकते हैं। मैं निकलता हूँ यहाँ से भोटिया मार्केट के तरफ, इस वक्त
मैं बोट हाउस क्लब के पास, आप लोग देख सकते हैं बोट हाउस क्लब का दृश्य, कुछ धूप खिलता होता इस तरह का दिखता है। तो यहाँ पर से अभी देखिए कुछ लोग बोटिंग करते हुए, तो आज तो स्टेशन पे काफ़ी सारे बोर्ड लगा हुआ है क्योंकि पानी ना हो रहा है मॉर्निंग में। तो इस तरह का मॉर्निंग व्यू, बोटिंग करते हुए हल्की सा हवा चलता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये दृश्य, देखिएगा इस तरीके से बोटिंग करते हुए बोट स्टेशन पे आता हुआ। कुछ लोग बोटिंग कर चुके हैं, कुछ लोग अभी कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में इस तरह का एक्टिविटी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं बैंड हाउस के पास मैं खड़ा हूँ, तो ये रहा बैंड हाउस। तो दोस्तों यहाँ पर जाएँ, फ़ोटो खिंचाएँ, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर चिड़िया आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर चिड़ियों की आवाज़ आप सुन सकते हैं, डाले में बैठी है। यहाँ पर है इस तरीके का मॉर्निंग में। तो मैं निकलता मार्केट की तरफ दोस्तों, यहाँ है चिल्ड्रन पार्क के पास में। अभी कुछ लोग मॉर्निंग में ही है, कुछ लोग झूला झूलते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये देख सकते हैं ये है चिल्ड्रन पार्क, यहाँ पर कुछ खेलने का इस तरीके का आपको दिखाई देगा। सामने है कैपिटल सिनेमा, तो दोस्तों यहाँ से मैं निकला भोटिया मार्केट के तरफ। यहाँ पर कुछ इस तरह का चल रहा है क्योंकि यहाँ सुंदरीकरण के लिए कुछ बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का। तो मैं निकला हूँ डीएसए ग्राउंड के पास, डीएसए ग्राउंड के पास इस तरह का एक्टिविटी। यहाँ पर क्रिकेट मैच होता हुआ आपको कुछ दिखाई देगा। तो सामने मस्जिद आप लोग देख सकते हैं, ये रहा मस्जिद के सामने ही डीएसए है दोस्तों। डीएसए के सामने नगर पालिका, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे खूबसूरत दृश्य। यहाँ पर चाइना पिक के साथ साथ ही इतना अच्छा यहाँ पर व्यू आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ग्राउंड से ही सारी चीज़ आपको दिखाई जा सकती है। ये आपको पहाड़ों का दृश्य इस तरह का होता है कि एक ही जगह से सभी चीज़ आपको दिखाई जा सकती है। इस तरह का व्यू यहाँ पर रहेगा। मेरे पीछे का आप लोग दृश्य देख सकते हैं, इस तरह का व्यू है पीछे, काफ़ी खूबसूरत आपको दिखाई देगा। कुछ लोग मैच खेलते हुए भी दिखाई देगा। सामने मस्जिद, डीएसए, नगर पालिका सामने है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ साथ ही मैं इस ब्लॉग को एंड करना चाहूँगा। एंड करने से पहले कूड़े को कूड़ेदान में डालें, जहाँ तक आपको डस्टबिन ना मिले वहाँ तक अपना कूड़ा अपने पास रखें। तो दोस्तों ये छोटा सा मैसेज आप सभी को देते हैं, छोटा सा टॉपिक है रैपर पर क्यों ना हो, उसको डस्टबिन में डालना सिखाएं अपने घर परिवार या इधर उधर जो भी बच्चे भी हो, बच्चों को भी ये सिखाएंगे तो आगे जाके ऐसा बिल्कुल अच्छा काम करेंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।